हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर. विल बी डूइंग हाउ टू मेक बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. एक्स, वाई एंड जी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2. देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 स्टूड एज फॉलोज. यू मे सी वी हैव अ बैलेंस शीट. इसमें जो नई चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है वाइज लोन. इस क्वेश्चन के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पे स्टार मार्क करेंगे. एक तो वाइज लोन और एक एडजस्टमेंट नंबर डी. एक वाइज लोन और एक एडजस्टमेंट नंबर डी. सी, अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन है, अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन है तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि पार्टनर का लोन विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज पार्टनर इज रिटायरिंग. ऑन अ सेम वे, अगर किसी और पार्टनर का लोन है, इट विल रिमेन इंटैक्ट. उसे ऐसे ही रखेंगे बैलेंस शीट में. अब देखते हैं रिटायर कौन हो रहा है. वाई रिटायर हो रहा है और वाई का ही लोन है. वाई रिटायर हो रहा है और वाई का ही लोन है, तो वी हैव टू चॉइसेस. या तो कैपिटल लोन को ऐसे ही रहने दो या ट्रांसफर करके पे कर दो. वाई रिटायर्ड ऑन 1st April. हाँ, बट अगर ये एक्स का लोन या जी का लोन होता तो वो बैलेंस शीट में ऐसे ही पड़ा रहता. लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड सिंस ऑल डेटर्स आर गुड. डेटर्स अच्छे हैं, पैसे दे देंगे, प्रोविजन की जरूरत नहीं है. स्टॉक इज एप्रिशिएटेड बाय 20%. स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओ. डी पार्ट में मैं बाद में जा रहा हूँ. लेट्स मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है. बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10% ऑफ 15,000. प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट मीन्स टू न्यू प्रोविजन जीरो माइनस ओल्ड प्रोविजन 105. नेगेटिव में आ गया तो इस तरफ लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ऐसा शो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको. स्टॉक इज एप्रिशिएटेड बाय 20%. स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है. प्रॉफिट बाय स्टॉक 20% ऑफ 4800, दैट अमाउंट्स टू 960. का 20% इज 960. द बैलेंसिंग फिगर इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1500 प्लस 105 प्लस 960 2565. The revaluation profit will be divided among X, Y and Z in old ratio 4:3:2. 1140, 855, 570. OPOR, old partner, old ratio. एडजस्टमेंट नंबर ई, गुडविल. गुडविल इज 5400. वाई का शेयर
5400 into 3 by 9. X ratio, Y ratio, Z, 432 old, X ratio, Z, 2 ratio, 1 new. That means gaining ratio would be 2 ratio, 1 only. Gaining ratio 2 ratio, 1 ही है. क्योंकि ओल्ड रेशो भी 2 रेशो 1 है, 4 रेशो 2 इज 2 रेशो 1, ओल्ड रेशो 4 रेशो 2, न्यू 2 रेशो 1, न्यू रेशो इज 2 रेशो 1, ओल्ड रेशो भी 2 रेशो 1 है, न्यू रेशो भी 2 रेशो 1 है, तो गेनिंग रेशो भी 2 रेशो 1 होगी. द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड दैट इज एक्स जेड टू वाई. X capital, Y capital, X, Z to Y. Y को पैसे मिलेंगे, Y को पैसे मिलेंगे, Y को कौन पैसे देगा? X and Z, X and Z. Y को पैसे मिलेंगे, X and Z पैसे देंगे 2 ratio 1 में. That amounts to 1200 and 600. सो एक्स को पैसे मिले, जी को पैसे मिले, वाई ने पैसे दिए. नेक्स्ट डी पार्ट, मार्केट स्टार, डी को स्टार मार्क कीजिए. एडजस्टमेंट वी मेड इन अकाउंट टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड. पिछले साल एक मिस्टेक हुई थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पास्ट एडजस्टमेंट जो हमने किया था फंडामेंटल्स में. वेयर बाय वाई वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 810 एंड एक्स एंड जी वॉज डेबिटेड इन एक्सेस 420 एंड 390. वाई को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया गलती से, वाई को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया गलती से, तो क्रेडिट ज़्यादा कर दिया तो अब ठीक करने के लिए डेबिट कर दो. डेबिट ज़्यादा कर दो क्योंकि पहले क्रेडिट ज्यादा कर दिया था. एक्स और जेड को डेबिट ज्यादा कर दिया, एक्स और जेड को डेबिट ज्यादा कर दिया तो ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो. बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट, बेसिकली ये एंट्री रेक्टिफिकेशन की जैसे क्वेश्चन में लिखे है वैसे डाल दें. सो द ए बी एंड सी गोज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डी इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ई इज फॉर गुडविल. नाउ वी कैन स्टार्ट टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वी कैन मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाउ. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट विल ट्रांसफर इट फ्रॉम द बैलेंस शीट. सबसे पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,96. एनी फ्री रिजर्व्स फ्रॉम द बैलेंस शीट? नो, वी हैव वाइज लोन. वाइज लोन या तो कैपिटल में ट्रांसफर करो या ना करो. मैं सजेस्ट करता हूं कि विल नॉट ट्रांसफर इट. किसी भी पार्टनर का लोन हो ट्रांसफर मत करो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. जब हम नेक्स्ट चैप्टर डेथ करेंगे तो उसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा. अभी के लिए जब भी पार्टनर का लोन बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जब भी पार्टनर का लोन बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है उसे आप अनटच कुछ भी नहीं करेंगे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि उसका कुछ करना है. दैट्स इट, ट्रांसफर फ्रॉम द बैलेंस शीट. Now transfer from the revaluation account by
revaluation account profits 1140, 855, 570. Now goodwill entry XZ2Y, 2Y capital, X और Z के कॉलम में, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री डालेंगे y to x to z y के कॉलम में, by y x के कॉलम में एंड z के कॉलम में। कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो अलग अलग एंट्रीज हैं। एक है गुडविल की एंट्री एक्स जेड टू वाई, एक्स में डेबिट 1200, जेड में डेबिट 600, वाई में क्रेडिट 1800, और फिर एक रेक्टिफिकेशन की एंट्री है वाई टू एक्स टू जी, वाई में डेबिट 810, एक्स में क्रेडिट 420, जेड में क्रेडिट 390। That's it. Now we'll close the capital account. Capital account को close किया जाएगा. Retire हो रहा है Y, तो जो retire हो रहा है उसका balance, कुछ नहीं लिखा तो loan में. It was decided by X and Z to settle Y's account immediately on his retirement. F part में लिखा हुआ है X और Z ने ये decide किया है कि Y का account immediately settle होगा, मतलब Y की payment की जाएगी to cash payment. Balancing figure. ₹10,000 + ₹855 + ₹1,200 + ₹600 - ₹420 - ₹390. X 12,000 plus 1140 plus 420 minus 1200, 12,360. This is two balance, carry down, balancing figure. मैंने पार्टनर का लोन ट्रांसफ़र नहीं किया है, Y का लोन। अगर Y का लोन, हमारे पास दो ऑप्शन है, रिटायरमेंट के टाइम पे अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन हो, रिटायरमेंट के टाइम पे अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन हो तो आप उसे या तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो अपोजिट साइड आ जाएगा, जैसे यहाँ Y का लोन पड़ा हुआ है एसेट साइड, तो यहाँ पर आ जाता 2Y's लोन, बाकी हो जाता कैश। कि हम बोलते हैं आप कैश कम लो क्योंकि लोन तो पड़ा ही हुआ है। और दूसरा ऑप्शन है आप लोन को बैलेंस शीट में एज इट इज रखो। नीचे नोट दे दीजिए, राइट डाउन अ नोट, वी हैव नॉट ट्रांसफर्ड द लोन टू कैपिटल अकाउंट,
वी हैव नॉट ट्रांसफर्ड द वाइज लोन टू वाइज कैपिटल अकाउंट. वी हैव नॉट ट्रांसफर्ड वाइज लोन टू वाइज कैपिटल अकाउंट, फुल स्टॉप. हाँ, आप ट्रांसफर कर सकते थे अगर आप करना चाहते थे, हमने ट्रांसफर नहीं किए. लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस शीट नाउ. बैलेंस शीट आफ्टर जीज रिटायरमेंट liabilities amount, assets amount. Starting from the liability side, creditors. As it is, आप revaluation में चेक कीजिए, creditors के नाम की कोई चीज़ नहीं है. आप revaluation में चेक कीजिए, creditors नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो creditors as it is आ जाएंगे 24,140. Capitals, X, Z, 12,360, 6,360. Y का लोन है ही नहीं, पेमेंट कर दी. अच्छा, अगर यहाँ पे Y का लोन होता 10,845 तो यहाँ पे आ जाता, इस केस में नहीं है. कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, बैलेंस शीट में चेक कीजिए, कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी और समथिंग. कैश एट बैंक 3,300 माइनस पेमेंट 10,845, माइनस में आंसर आ गया. 3,300 का कैश था, 10,845 पे किए, कल ये पॉइंट किया था लेक्चर 4 में, ये पॉइंट किया था. कैश में से माइनस करेंगे पेमेंट, वो आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है तो वो बन जाएगा बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट. 3,300 माइनस 10,845, 7,545. Sundry debtors 3,045 माइनस न्यू प्रोविजन, नहीं है कुछ भी, 3,045. स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 960 से बढ़ गई, 4,800 प्लस 960, 5,760. प्लांट एंड मशीनरी 5,100. लैंड एंड बिल्डिंग 15,000, 1,500 बढ़ गई, 16,500. वाइज लोन हमने ट्रांसफर नहीं किया, वाई का लोन हमने ट्रांसफर नहीं किया, कैपिटल अकाउंट में नहीं किया, एज इट इज वाइज लोन. वी कुड ट्रांसफर इफ द क्वेश्चन सेज. कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है? नो. The balance sheet should match with the total of ₹50,405 on the liability side, ₹50,405 on the asset side.
द अदर ऑप्शन वॉज अब आई का लोन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते तो कैश की अमाउंट चेंज हो जाती और आपकी बैलेंस शीट तब भी मैच करनी थी, वो भी एक अदर वे था, ठीक ही था, वो भी गलत नहीं था। आई थिंक आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर। इन एग्जाम यू आर सपोज टू राइट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, यू नो द फॉर्मेट्स 10-20% मार्क्स फॉर्मेट के रहते हैं, फॉर्मेट शुड बी प्रॉपर वेल प्रेजेंटेड। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अंडरलाइन कीजिए, एक वाइज लोन और एक एडजस्टमेंट एंट्री डी, एक वाई लोन और एक एडजस्टमेंट एंट्री डी। लेट्स प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इन बैलेंस शीट वी हैव जर्नल रिजर्व दैट नीड्स क्लोजिंग, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दैट नीड्स क्लोजिंग, प्रॉफिट एंड लॉस दैट नीड्स क्लोजिंग, वी हैव थ्री अकाउंट्स दैट नीड्स क्लोजिंग, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 12,000, स्टॉक 12,000 से कम करना है, एसेट कम करना है, फायदा सॉरी नुकसान डेबिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू 6,000, 6,000 इज द न्यू प्रोविजन, 6,000 की न्यू प्रोविजन है डेबिट साइड, ओल्ड प्रोविजन है 4,000, 6,000 की प्रोविजन चाहिए, 4,000 की प्रोविजन है तो 2,000 की प्रोविजन और बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स आर एप्रिशिएटेड बाय 10%, फायदा, देन वी हैव गुडविल। इस क्वेश्चन में लोन अकाउंट है एक्स वाई दो का, वी हैव टू लोन्स अकाउंट, वन इज एक्स वन इज वाई, एक्स का तो एज इट इज ही रखेंगे, वाई के वी हैव टू ऑप्शंस, हमने क्या रखना है ऐसे ही रखना है लोन अकाउंट। 22 रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 12,000, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, टू स्टॉक 12,000, प्रोविजन 6,000 चाहिए, टू न्यू प्रोविजन 6,000 माइनस ओल्ड प्रोविजन 4, आउटर कॉलम 2, फिक्स्ड एसेट्स 10% से बढ़ गए, बाय फिक्स्ड एसेट्स 10% ऑफ 3,30,000, बैलेंसिंग फिगर इज रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 30-14, 16 डिवाइडेड अमंग एक्स वाई जी 332,664, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज इधर प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। गुडविल 80,000, वाई का शेयर 80,000 इंटू 3/8 30,000, एक्स रेशो वाई रेशो जी 3:3:2, वाई रिटायर हो गया सो द गेनिंग रेशियो बिटवीन एक्स रेशो जेड इज 3:2, क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं गिवन तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो है, सो वाई को पैसे मिलेंगे और वाई को पैसे कौन देगा, एक्स एंड जेड, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में 3:2, 18:12, ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो है, वही न्यू रेशो है अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो।
Let's make partners capital account. We have X, Y, Z. X, Y, Z. By balance brought down, we'll transfer it from the balance sheet. सबसे पहले balance sheet से transfer करेंगे. We have capitals 1,60,000, 50,000. What else? We have general reserve. By general reserve 80,000 in 332, 30, 30, 20. We have advertisement suspense 2. Advertisement suspense 16,000. 16,000 in 332. 6, 6, 4. We have P&L 2. P&L account 4,000 in 332. 8, 5, 15, 15, 1. सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट से, ट्रांसफर कर दिया. अब ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट्स 6, 6, 4. After transferring from the revaluation account, we will transfer the goodwill entry. We have X, Z to Y. X and Z debit hain. Y ne kiya debit. Y credit hai. X aur Z ne kiya credit. So first we'll transfer it from the balance sheets, we have done. Then we'll transfer it to balance sheets. So we have opening capital, general reserve, advertisement, suspense, P&L. Then we'll transfer it from the revaluation account, we have done that. And then we'll transfer the goodwill entry, we have done that also. What next? Jo partner retire ho raha hai, uska balance transfer kar do loan mein. Jo partner retire ho raha hai, uska balance transfer kar do loan mein. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो, अगर लिखा है पेमेंट करनी है तो पेमेंट कर देंगे. और जो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा उसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे कैरी डाउन क्लोजिंग कैपिटल. इन दिस क्वेश्चन वाई रिटायर हो रहा है बट उसके पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं गिवन, सो वाई का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे वाई के लोन में और X और बैलेंस Z का लोन ट्रांसफर करेंगे बैलेंस कैरेट डाउन में. सो लेट्स फाइंड द बैलेंसिंग फिगर नाउ. X का बैलेंस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 6,000 इज 1,36,000. माइनस 6,000, 1,500, 18,000. 1,10,500 एक्स की कैपिटल बनी. 1,10,500 फॉर जी 50, 20 प्लस 4, 74. माइनस 4, माइनस 1, माइनस 12, 57. Y का लोन 60 प्लस 30 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 12
126 माइनस 6 माइनस 15 118,500। आज हम जो बैलेंस शीट कर रहे हैं उसके दोनों क्वेश्चन में लोन का पॉइंट था, तो मैं इसके लिए आपको लोन भी का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा नोट के नोट में। दैट्स इट, लेट्स प्रोसीड विद द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर जीज रिटायरमेंट, liabilities amount, assets amount, liabilities amount, assets amount, starting with sundry creditors as it is। आप देख सकते हैं revaluation account में कुछ भी नहीं है, तो as it is 2,50,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पार्टनर्स लोन एक्स जी एक्स एंड वाई सॉरी एक्स का लोन एज इट इज 50, एक्स का लोन एज इट इज 50, वाई का लोन एज इट इज 40 प्लस 118,500, सो इट्स 158,500। कैपिटल्स एक्स जी, द कैपिटल ऑफ एक्स इज 110,500 एंड फॉर जी इज 57,000 and the total is 167,500। Please check if we have any liability created in the revaluation account like outstanding salary or something. No, we don't. Now moving to the asset side, cash or bank or cash at bank as it is। कब माइनस करते हैं? जब पेमेंट होती है, जैसे लेक्चर फोर में हमने किया था, पेमेंट माइनस कर दी, जो बच गया वो नेगेटिव में है तो बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें तो कोई पेमेंट ही नहीं हुई। बिल्स रिसीवेबल 60,000, बिल्स रिसीवेबल एज इट इज 60,000, डेटर्स 80,000 माइनस न्यू प्रोविजन 6 अमाउंटेड टू 74। स्टॉक 12 से कम हो रहा है, 124 माइनस 12 112। फिक्स्ड एसेट्स 3,00,000 प्लस 30 बढ़ रहे हैं 330। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ, पी एंड एल रिटर्न ऑफ। कोई नया एसेट क्रिएट किया है? नो, कोई नया एसेट क्रिएट नहीं किया। योर बैलेंस शीट शुड मैच विद द टोटल ऑफ सिक्स लाख 26,000 है, एंड 6,26,000 है। एट मार्कर, 6 to 8 मार्कर क्वेश्चन इट इज। क्वेश्चन में पूछा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट अगर लोन अकाउंट पूछते, इफ दे आस्क लोन अकाउंट, लेट्स मेक द लोन अकाउंट एज वेल।
Y's loan account. बैलेंस शीट में वाई का लोन पड़ा हुआ है लायबिलिटी साइड. बैलेंस शीट में वाई का लोन पड़ा हुआ है लायबिलिटी साइड. दैट मींस वाई का क्रेडिट बैलेंस है. दैट मींस वाई का क्रेडिट बैलेंस है वाई लोन का. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40. बैलेंस शीट में वाई का लोन लायबिलिटी साइड में है. बैलेंस शीट में वाई का लोन लायबिलिटी साइड में है. दैट मींस इसका क्रेडिट बैलेंस है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब वाई की कैपिटल में वाई लोन डेबिट है. वाई की कैपिटल में वाई लोन डेबिट है तो वाई लोन में वाई कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा. इसकी जनरल एंट्री बनती है वाई कैपिटल टू वाई लोन. इसकी जनरल एंट्री बनेगी वाई कैपिटल टू वाई लोन. तो वाई लोन क्रेडिट हो रहा है बाय Y's capital 118500 and the balancing figure of Y's loan is carried down to balance carry down 158500. और ये जो कैरी डाउन है अगली बार बन जाएगा ब्रॉट डाउन. और इस वजह से ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. ये कैरी डाउन बन जाएगा ब्रॉट डाउन, इसलिए ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. वो तो हम पहले डाल चुके हैं. देखिए 158500 ये मैंने आपको करवा दिया. देयर इज दे आर नॉट आस्किंग इट टू मेक दैट. कूल. नीचे एक नोट दीजिए एंड वी आर डन विथ टूडेज क्लास. आज की क्लास कंप्लीट हो गई है. एक नोट दीजिए. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गिव अ फुट नोट. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कॉमा If question is silent, then the amount payable to the retiring person should be transferred to his/her loan account. Full stop. Number two. Note number two. If there is already partner's loan account in the balance sheet, then do not transfer it to the capital account. Then do not transfer it to the capital account, unless otherwise specified. Full stop. देखिए दो पार्टनर है ए एंड बी. ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं. दो पार्टनर है ए एंड बी. दोनों का लोन बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है.
दो पार्टनर हैं ए एंड बी, दोनों का लोन बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है और बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो ए के लोन को आप कुछ भी नहीं करेंगे, बी के लोन को डिपेंड्स आप ट्रांसफर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, नीचे नोट देंगे। हम ये मानते हैं कि हमने ट्रांसफर करना ही नहीं, वाई टू मेक द थिंग्स कॉम्प्लेक्स, मेक इट सिंपल, लोन एज इट इज रहेगा, जैसे यहां पर भी था, वाई का लोन पहले से पड़ा था, अभी भी पड़ा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही पार्टनर का लोन था, हमने रखी रखा, हार्डली मैटर्स। कल आगे कंटिन्यू करेंगे द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट अलोंग विद रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टिल देन, कीप स्टडी।